नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। मणिपुर काफी दिनों के बाद फिर से चर्चा में है। कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर में शांति धीरे धीरे लौट रही है। इसी बीच एडवा की एक टीम अभी मणिपुर से लौटी और उसने बताया कि मणिपुर में हालात अभी भी सामान्य नहीं है और रुक रुक कर हिंसा जारी है। इसी बीच जो रेप की पीड़ित विक्टिम्स हैं वो अभी भी न्याय के लिए बात जो हो रही हैं उम्मीद कर रही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ CPIM की पॉलिट ब्यूरो मेंबर वृंदा करात। उनसे आज हम जानेंगे कि क्या है मणिपुर के हालात। वृंदा मैम, न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। हमने आपकी रिपोर्ट पढ़ी और जैसे जैसे हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे वैसे वैसे मन जो है हम कहें कि व्यथित हो रहा था जिस तरीके की घटनाएँ हैं। आमतौर पर जो मणिपुर की जो रिपोर्टिंग है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो मीडिया है उसमें नहीं हो रही है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। हम अगर आपसे पूछें कि जब आप मणिपुर के डेलीगेशन में गए और आपने वहाँ पर क्या देखा तो आप क्या कहेंगे? विश्वास नहीं होता है कि ये हमारे देश के अंदर इस कदर विभाजन हो सकता है कि एक ही प्रदेश में वाघा बॉर्डर जैसे बॉर्डर बन गया है। आप सोच सकते हैं कि कोई भी ट्राइबल मैदानी इलाके में नहीं आ सकते हैं, सब जगह आधार कार्ड चेक होता है। अगर ट्राइबल नाम है कुकी जुमू मार नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे तो जान जोखिम में है। और उसी तरह अगर मैदानी इलाके की कोई मायते जाना चाहते हैं वहाँ, वो भी पूरा प्रोसेस में नहीं जा सकते हैं। तो एक ही प्रदेश में हिंदुस्तान की एक इलाका, एक प्रदेश जो बॉर्डर प्रदेश है, उसमें इस प्रकार की स्थिति कहीं बन जाए तो निश्चित रूप पर वहाँ सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है, कोई जवाबदेही होती है। तो सेकंड पॉइंट जो हमने देखा कि कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई कल्पेबिलिटी जो उनकी खुद दोष है उसको तो छुपाने के लिए डबल इंजन सरकार खड़ी थी। मणिपुर के लोगों ने हमसे पूछा, उन्होंने सुना कि यहाँ लीडर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को इसलिए नहीं हटा रहे हैं क्योंकि उन्होंने सहयोग किया। उन्होंने पूछा किसके साथ सहयोग किया? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ तो सहयोग नहीं किया, न्याय के लिए तो सहयोग नहीं किया, कानून के लिए तो सहयोग नहीं किया, किया तो विभाजन पॉलिटिक्स के किया। और तीसरी बात जो सेक्सुअल एट्रोसिटी के विक्टिम्स हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आज क्या हालात है। 3 महीने के बाद प्रक्रिया की जो न्याय की प्रक्रिया की जो तमाम जरूरतें हैं एक इंच भी नहीं बढ़ा। अगर मैं बहुत ब्रीफ में समझना चाहूँ, देखिए जो वीडियो आया था उसके बाद में पूरा इंडिया जो है वो बहुत विचलित था, है ना। लेकिन अगर सेक्सुअल हरासमेंट का पार्ट हटा भी दें तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और बाकी हैं, कैंप्स की किस तरीके की हालत है? जब आप नहीं, आप सेक्सुअल हरासमेंट बात हटा ही नहीं सकते हैं ना। नहीं मतलब क्योंकि नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पॉलिटिक्स को रेखांकित करता है जो एक महिला की शरीर को आपकी विभाजन वाली पॉलिटिक्स का आपने वो मैदान बनाया है। तो सेक्सुअल एट्रोसिटी उस पूरे विभाजन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मिसाल है कि किस कदर वहां वॉर क्राइम के रूप में ये हो रहा है। और रिलीफ कैंप्स और ये सब, अब आप बताइए, कल प्रधानमंत्री जी बोले रेड फोर्ट से ना आज़ादी के दिवस, बोले कि बहुत खुशी है कि पिछले कई दिनों से शांति में शांति है। अब आप शांति का क्या परिभाषा यूज़ कर रहे हैं? कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है, कोई भी अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं। दिल में शांति नहीं है जब तक न्याय नहीं है, उसके लिए एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है।
लेकिन पॉलिटिकल सॉल्यूशन को पहुंचने के लिए तो पहले मुख्यमंत्री को निकालना पड़ेगा, तभी तो पॉलिटिकल सॉल्यूशन होगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी मिसलीड कर रहे हैं देश को, ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ पीसफुल है, सब कुछ ना। अब पॉलिटिकल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि एनबीरेन सिंह को हराया जाए, हटाया जाए, क्योंकि ही इज द बिगेस्ट बैरियर टू रिलीफ इन द स्टेट। अब सवाल ये है, जब आपने विक्टिम से बात की तो वो किस तरीके की अड़चनें बता रहे हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री वो नहीं होने दे रहे हैं पीस प्रोसेस को, उसके बारे में आपने देखिए, मैं विक्टिम्स की उस रूप पे, विक्टिम्स का सिर्फ एक पॉइंट है, हमें न्याय दो। और न्याय हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक ये स्थिति बनी हुई, और ये चीफ मिनिस्टर है, ये उन्होंने ज़रूर कहा, क्योंकि वो पूछते हैं ना कि 3 महीने तक हमें न्याय क्यों नहीं मिला, क्यों उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जिन्होंने हमारे ऊपर इस प्रकार के हमले किए, क्यों? ये जवाब कौन देगा? ये डबल इंजन गवर्नमेंट को ही तो देना पड़ेगा, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो उल्टा मिसलीड करे कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। बीरेन सिंह कहते हैं कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ करो और भूलो। आप किसको कह रहे हैं? सेक्सुअल विक्टिम को आप कह रहे हैं? जब आप उनकी परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस को शरण दे रहे हैं, आप उनको ऐसे कह रहे हैं? क्या है ये भाषा, आप बताइए, कहीं आपने दुनिया में ऐसे कहीं सुना है? एक सवाल जो है वो बच्चों तक रिलीफ का भी है, कई रिपोर्ट्स और आपकी रिपोर्ट में भी आया कि खाना जो है वो बहुत लेट से पहुंच रहा है, कई परिवार सिर्फ एक समय का खाना खा रहे हैं, क्या ये बात सही है? और आप लोगों ने क्या अनुभव? नहीं, हम लोगों ने बहुत सारे परिवार को रिलीफ कैंप के बाहर मिले हैं। रिलीफ कैंप में 2 बार खाना मिल रहा है, दाल और चावल और कुछ नहीं, और बहुत ही ख़राब स्थिति है। नेचुरली 3 महीने रिलीफ कैंप में बारिश के समय क्या हालत है आप सोच ही सकते हैं। रिलीफ कैंप के बाहर जो असंगठित मजदूर है, जो पॉपुलेशन की ज़्यादा है, या जो हैंडलूम में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, जो लाखों महिलाएं, हज़ारों महिलाएं हैंडलूम से करते हैं, वो सब चौपट है, पूरा इकोनॉमी चौपट है, कोई डेली वर्क हो नहीं रहा है, तो पैसे कहाँ से आएगा? तो परिवारों ने हमें बताया, हम दिन में कई बार, हम सिर्फ एक बार खाते हैं, कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि हम एक बार खा सकते हैं, पैसे नहीं है घर में। जब काम नहीं है तो पैसे नहीं है, जब पैसे नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, क्या खाएंगे? उन्होंने कहा ये 5 किलो जो मिल रहा है पहाड़ी इलाके में तो बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पहुँच ही नहीं सकता है, वो मिज़ोराम के थ्रू आता है, और मिज़ोराम से आने तक ट्रक्स जो है 15 घंटे लगते हैं। ये तो DC ने भी हमें बताया, जो वहाँ ऑफिशियल देख रेख कर रहे हैं, उन्होंने भी बताया। तो पहाड़ी इलाके में तो ये हालत, और यहाँ मैदानी इलाके में महंगाई इतनी बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो उसके कारण जो है ना, लोग कर्जा ले लेकर चला रहे हैं, लेकिन अभी तो कर्जा देने वाले भी नहीं हैं। एक नैरेटिव जो मणिपुर से दूर दिल्ली और बाकी जगहों पे जब भी हम संघ या फिर उनके समर्थित सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखते हैं, तो एक खास तरीके का नैरेटिव समझ में आ रहा है कि जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैथी जो है वो यहीं के हैं और कुकी जो हैं वो आउटसाइडर हैं, जो एक खास चलता है कि इनसाइडर वर्सेज आउटसाइडर का जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव बीजेपी आरएसएस से बना रहा है। कितनी भूमिका आपको लगता है कि तैयार की ये जो पूरा माहौल है उसमें? पूरा भूमिका, ये आपने 100% सही सवाल किया। ये जो इनका है ना बीजेपी आरएसएस, बगैर विभाजन के वो कुछ राज नहीं कर सकते। पहले तो उन्होंने दोनों साइड की मिलिटेंट्स का पूरा साथ दिया, अब जब देखा कि वहाँ फॉरेस्ट जमीन हमें चाहिए, हमने इतने MOU साइन किए हैं क्रोमाइट के लिए, ऑयल के लिए, तो अभी हमें फॉरेस्ट को खाली करवाना है, जो ट्राइबल्स का अधिकार है वहाँ, तो वो ज़मीन उनको चाहिए। तो उन्होंने ये पूरा नैरेटिव शुरू किया, ये सब बर्मा के आए हैं, मायनमरीज है, ये कुकी कौन है, ये सब हमारे देश के थोड़ी। अब आप बताइए, आपने ये
बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के साथ जो आपने पूरा किया, अब आप ट्राइबल्स के साथ कर रहे हैं, तो ये रुकेंगे कहाँ? सवाल ये है, इस पॉलिटिक्स ने पूरा देश को बर्बाद किया, मणिपुर बर्बाद हो रहा है, और वहाँ जो स्ट्राइकिंग बात है कि मणिपुर एक ऐसे प्रदेश है जहाँ मुसलमान सबसे सुरक्षित है। हमारे जब हम गए तो लोगों ने कहा कोई और ड्राइवर नहीं हो सकता है बंगाल मुस्लिम, वो सिर्फ मुस्लिम हो सकता है, बंगाल मुस्लिम। शुक्रिया।